सो दिस इज माय स्टूडियो। हाय गाइस, दिस इज समदान, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को अपना स्टूडियो टूर देने वाला हूँ, रूम कम स्टूडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता भी हूँ। ये रहा हमारा कपड़ा जो मैं डेली पहनता हूँ। यहाँ पर एक स्विच बोर्ड है जिस पे यहाँ पर एक दुर्गा माता का एक छोटा सा पेंटिंग और एक डिक्शनरी है यहाँ पे। और दिस इज माय बाइक का कीज। यहाँ पर से एक कनेक्शन पास होता है जिससे कि पूरे रूम में बिजली ट्रांसफर होती है। यहाँ पर मेरा बेड है जिसमें मैं सोता हूँ, पैर अटका के सोता हूँ, इसलिए वो एरिया गंदा है। इधर देखोगे तो मेरे रूम में एक लौता ये सुंदर सा वॉल है येल्लो, जिसको मैंने खुद से पेंट कर रखा। इनफैक्ट मैंने पूरा रूम को खुद से पेंट कर रखा, क्योंकि पहले पिंक कलर में था जो मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो दिस इज अ राइडिंग जैकेट, एक कैप, यहाँ पर मैं अपने कपड़े रखता हूँ, दिस इज माय राइडिंग हेलमेट, वहाँ पर एक वेइंग मशीन है, यहाँ पर एक राइडिंग टैंक पैड है, माय राइडिंग ग्लव्स, यहाँ पर एक प्रोटीन का डब्बा है, ये बैग है जो मैं हर जगह पे कैरी करता हूँ, और ये मेरे कपड़े जो मैं यहाँ पे रखता हूँ, और जो भी मेरे बाकी के सामान है जो भी मेरे वीडियो मेकिंग एंड आर्ट्स रिलेटेड नहीं है वो सारे यहाँ पे रहते हैं, और जो मैं डेली यूज नहीं करता वो सारे वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पर आर्ट मटेरियल्स, बाकी के सामान, कॉलेज के असाइनमेंट्स, बाकी डब्बे जो मैं डेली यूज़ नहीं करता हूँ वो सारे मैं वहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि वही एक इकलौता स्टोरेज स्पेस है मेरी छोटी सी कुटिया में। ऊपर एक फ़ैन है जो मेरे को हवा प्रोवाइड करता है, जो कि अभी बंद है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जो मेन अट्रैक्शन है वो कुछ इस तरफ है, जो कि भाई लाखों करोड़ों का सेटअप नहीं है लेकिन मेरे लिए लाखों करोड़ों का सेटअप है। देखोगे तो माय रूम हैज गॉट प्लेंटी ऑफ लाइट सोर्स। देर आर टू नेचुरल लाइट सोर्सेज, दीज टू विंडोज एन आर्टिफिशियल लाइट के सोर्स पे, दिस इज अ गोडोक्स का SL60W। यहाँ पर एक ट्यूबलाइट है, यहाँ पर एक बल्ब है, और ये जो पूरा सेटअप है इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर एक लाइट स्टैंड लगा हुआ है जो कि 9 feet तक की हाइट, मतलब इस रूफ तक टच हो सकता है। एंड यहाँ पर एक सॉफ्ट बॉक्स है विच इज 120 centimeters, जो मेरे को काफ़ी अमाउंट ऑफ लाइट देता है। जब रात को वहाँ से लाइट नहीं आते तो मैं इस लाइट का यूज़ करके आराम से ड्राइंग या फिर कह लो वीडियो या फिर कह लो कुछ भी मेरे को बनाने का मन करे भाई, जिस पे लाइट सोर्स का यूज़ हो उसमें मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो दिस इज माय टेबल एंड चेयर का सेटअप, थोड़ा अच्छे से रख देते हैं टेबल एंड चेयर का सेटअप। ये टेबल मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया था आई गेस 2000 rupees में मेरे दोस्त से, क्योंकि वो अपना फ्लैट छोड़ रहा था, और ये तो मैं खैर मेरा दोस्त का ही है क्योंकि मेरा चेयर टूट चुका है। बाकी ये मेरा प्यारा सा छोटू सा बच्चा माय सोनू है, सोनी अल्फा 6400, जिससे मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। तो ये रहा आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलता है, और इसके साथ जो मैं लेंस यूज़ करता हूँ दैट इज़ 18-135 f/1.3-5.6, और ये मैं कैमरा यूज़ करता हूँ ऑन डिजिटेक का ट्राईपॉड। अब ये कोई नॉर्मल ट्राईपॉड नहीं है, ये ट्राईपॉड से आप आराम से टेबल टॉप व्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, यहाँ तक ही ऊपर जाएगा, देन आप उसको कुछ इस तरह से बेंड करके इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे तो आप आराम से टेबल टॉप व्यूज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आपका कुकिंग का चैनल है या फिर ट्यूटोरियल का चैनल है, टेबल टॉप व्यूज़ रिकॉर्ड करना है तो ये ट्राईपॉड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, लेना है ये जो भी, सबका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ले लेना, ठीक है। तो ये रहा मेरा सेटअप। अब बाकी इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर मैंने कुछ प्यारा सा सुंदर सा सेटअप क्रिएट कर रखा है जो मेरे को पसंद आता है एंड कुछ लोगों को, आप लोगों को भी वीडियो में पसंद है। बाइक्स वगैरह का शौक है इसलिए उसके कुछ स्केल मॉडल्स रखे हुए हैं, दैट इज ड्यूक 1290, CBR 1000 RR, निंजा H2, S1000 RR, वहाँ पर एक छोटा सा दिस इज अ लेंस जो कि मेरे को बहुत महंगा पड़ा था, दिस इज कैमनन का नहीं कैम पता नहीं मजाक कर रहा हूँ, दिस इज अ मग या फिर जो भी इसको बोलते हैं, जिसको मैं शोपीस के तौर पे रखता हूँ। यहाँ पर एक बल्ब है जिसका वायर उस तरफ से जाकर यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ पर से बिजली सब जगह जाती है, मैंने पहले ही बताया था। एक घड़ी है जिसपे 1:30 बज रहा है जो मेरे को समय दिखाता है। यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर कुछ मेरे आर्टवर्क्स है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप लोगों को भी इनके वीडियोज़ काफ़ी पसंद आए थे, दीज टू आर वाटर कलर वर्क एंड दिस इज़ अ पोस्टर कलर वर्क, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। प्लानिंग है कि इधर भी आर्टवर्क्स भरेंगे जल्दी, बट जल्दी भरेंगे, अभी उतना टाइम नहीं हो रहा है कि मैं रोज़ नए आर्टवर्क क्रिएट कर सकूँ। ये रहा मेरा पहला प्यारा सा बच्चा, दिस इज़ मैकबुक प्रो 13 inch, जिससे मैं लास्ट 3-4 साल से वीडियो एडिट कर रहा हूँ। वो रहा मेरा पुराना फ़ोन जिसमें पहले वीडियो एडिट किया करता था, अभी मैं फिलहाल उसको रेफरेंस देखने के लिए या फिर मुझे अगर कोई भी सीरीज़ वगैरह देखना पड़ता है जब मैं ड्राइंग करते रहता हूँ या कुछ काम करते रहता हूँ तो मैं उसको उसके लिए यूज़ करता हूँ। बाकी अगर इसको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक ड्रॉअर है जिसपे, बाकी टेबल पे इधर मेरे पास पेन स्टैंड है
जिसपे मैं कुछ डेली यूज के आर्ट मटेरियल्स रखता हूँ, जैसे कि देख लो पेंसिल है, दिस इज अ टॉम्बो ग्राफ गियर 1000, क्योंकि 1000 रुपीज का पेंसिल है, वन ऑफ माई फेवरेट मैकेनिकल पेंसिल है। पैसा है तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। बाकी यहाँ पर कटर हो गए, हियर इज अ सॉफ्ट हेयर मेकअप ब्रश विच आई यूज टू क्लीन द डस्ट ऑफ ग्रेफाइट एंड चारकोल वाइल ड्रॉइंग, एंड यहाँ पर बाकी के मार्कर पेंसिल वगैरह सारे चीज रखे हुए हैं। एंड हियर इज अ स्केल मॉडल ऑफ दुकाटी पानीगेल, मेरे को वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स है, कभी लूंगा जरूर। तो उसका स्केल मॉडल ये रहा, दिस इज अ 1:18 स्केल मॉडल, और ये सारे जो स्केल मॉडल्स हैं दीज आर 1:12। और अगर ये वाला दो सेल्फ मैंने अभी हाल ही में इंस्टॉल करवाया है, जिसको कराने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी, क्योंकि ये दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत है। और यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा है जो मैंने कॉलेज से उठा के लाया था। हियर इज़ अ डायरी जिसमें मैं अपने स्क्रिप्ट्स वगैरह सारे चीज़ लिखता हूँ, तो आप भी स्क्रिप्ट्स लिखा करो अगर आपको वीडियो बनाना है तो, क्योंकि काम बहुत आसान हो जाता है, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। हियर इज़ माई चश्मा, यहाँ पर ड्रॉअर है जिसमें मैं अपने डेली के सामान वगैरह यूज़ कर रखता हूँ, लाइक स्पीकर हो गए, दिस इज़ अ कैमरा जो मैंने रिसेंट में परचेज किया है, दिस इज़ अ इंस्टा 360 जो मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, महंगा नहीं मतलब महंगा कैमरा है, विच आई परचेज फॉर सम रीजन, आपको कुछ दिन में देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर दिस इज़ अ लेपल माइक, बाकी और भी कुछ टिश्यू पेपर हो गए, हार्ड डिस्क वगैरह हो गए, देन सनग्लासेस हो गए, ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ। और नीचे देखोगे तो दिस विल बी द फेवरेट स्पॉट फॉर ऑल द आर्टिस्ट, यहाँ पर मैं अपने आर्ट मटेरियल्स रखता हूँ, लाइक देख लो ब्रश होल्डर है, फिक्सेटिव स्प्रे है, फेब्रिक कलर्स है, पेंसिल्स है, मेकअप ब्रश होल्डर है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, मग है, और भी बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स है जो मैं यहाँ पे रखता हूँ। वही आर्ट मटेरियल्स रखता हूँ जो मैं डेली यूज़ कर सकूँ, जो मैं वीडियो बनाने के लिए, कमीशन आर्टवर्क करने के लिए, फिर कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे लगता है, वो सारे मैं यहाँ पे रखता हूँ। और पेपर्स की बात करोगे तो यहाँ पर मेरे रूम पे देखोगे तो जगह नहीं है, तो मैं पेपर्स वगैरह सारे यहाँ पे रखता हूँ। ये वाला जो बोर्ड दिख रहा है इस पे जो सारे दिख रहे हैं ये सारे पेपर्स हैं, और बाकी के आर्ट मटेरियल्स लाइक यहाँ पे टूल बॉक्सेस दिख रहे होंगे, आर्ट बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये सारे आर्ट मटेरियल्स यहाँ पे रहते हैं जो मैं डेली यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी अगर ये वाला सेल्फ पे देखोगे इसमें कुछ खास नहीं, मेरे कुछ कैमरा गियर्स वगैरह है एंड थोड़े बहुत से सामान है, पेपर्स वगैरह सारा चीज़ मैं वहाँ पे रखता हूँ। तो दीज आर माई थिंग्स जो मैं, अगर विंडो के बाहर भी देखोगे तो विंडो के बाहर अभी एज सच कुछ है नहीं, बस एक ग्रीनरी है जहाँ से सन बिल्कुल भी नहीं आता, तो मेरा रूम बहुत ज़्यादा कूल रहता है। तो ये था मेरा छोटा सा रूम का स्टूडियो टूर, इधर इधर ज़्यादा कुछ है नहीं, रूम कम स्टूडियो है, इसलिए जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो ये पार्ट है। बाकी आई होप लोगों को वीडियो देखने मज़ा आया होगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, और कुछ भी चीज़ हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए रखा क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अपना स्टूडियो टूर दिखा सकूँ, तो आप लोगों को एक नया एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कुछ भी होगा तो कमेंट करके बता देना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, इसी तरह अगर मेरा पहले का स्टूडियो टूर का वीडियो देखना था, दिस वॉज माई फर्स्ट स्टूडियो जो कि अभी भी है मेरे पास, और दिस वॉज माई सेकेंड स्टूडियो जो कि अभी नहीं है मेरे पास, तो देखना है तो जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टिल देन बाय।